वायरस इज है सिंपल स्ट्रक्चर देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज जस्ट मेड विदिक मटेरियल एंडीन लेट वायरस के स्ट्रक्चर में या तो डी एन ए या आर एन ए और इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर इसे कवर करने के लिए होती है प्रोटीन की एक लेर जब एक सिंगल वायरस मेच्योर होकर किसी प्लांट या ह्यूमन टारगेट सेल को इन्फेक्ट करने के कैपेबल हो जाता है तब उसे विरियोन कहा जाता है वायरल स्ट्रक्चर में मेनली तीन पार्ट होते हैं पहला वायरल जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दूसरा है वायरस कैप्सिड और तीसरा पार्ट होता है वायरस एनवलप पहले बात करते हैं वायरल जीनोम की वायरस कंटेन्स आरएनए या सिंगल और डबल डबलडेड डीएनए वायरस की जो कोर या सेंट्रल पार्ट होता है वहां जेनेटिक मटेरियल रहता है डीएनए आरएनए आर दोनों सिंगल या डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में मिल सकते हैं कैप्सिड वायरल जीनोम एक प्रोटीन लेयर से सराउंडेड होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं ये कैप्सिड किसी सिंगल या डबल यानी दो टाइप के यूनिट के रिपीटेड मैनर में अटैचमेंट से बनता है वायरल एनवलप कुछ वायरसेस में एनिमल वायरस में जो कैप्सिड होता है वो एक लिपिड की बाई लेयर से सराउंडेड होता है इसे एनवलप कहते हैं ये एनवलप होस्ट यानी कि वायरस जिस सेल के अंदर होता है उस सेल के लिपिड से ये एनवलप फॉर्म होता है इस एनवलप के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस की होस्ट सेल से बाइंडिंग के लिए और सेल में एंट्री करने के लिए यानी सेल इन्फेक्शन के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एज ए एंटीजन भी वर्क करते हैं नाउ वी मूव टू द टाइप्स ऑफ वायरस स्ट्रक्चर वायरस मेनली फोर टाइप के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं आइकोसाहेड्रल हेड्रल एनवलप कॉम्प्लेक्स या जिसे हेड एंड टेल भी कहा जाता है और हेलिकल या फिलामेंटस वायरस पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं आइकोसाहेड्रल वायरस के यूजली ये वायरस स्फेरिकल शेप के देखते हैं बट एक्चुअली ये होते हैं आइकोसा हेड्रल शेप के आइकोसा हेड्रल शेप होता है जैसे किसी स्फीयर के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अटैच्ड हों एज यू कैन सी इन स्ट्रक्चर बिलो जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से कैप्सिड के अंदर पैक रहता है आइकोसा हेड्रल स्ट्रक्चर में अराउंड 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में अटैच होकर एक स्फीयर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके एग्जाम्पल हैं पोलियो वायरस, राइनो वायरस एंड एडिनो वायरस एनवलप्ड वायरस इस तरह के वायरस आइकोसाहेड्रल या हेलिकल वायरस के ऊपर एनवल्प के फॉर्मेशन से बनते हैं अगर आइकोसाहेड्रल वायरस के ऊपर एनवल्प फॉर्म होगा तो एनवेलप्ड वायरस जो है वो स्फेरिकल शेप का दिखेगा और अगर फिलामेंटस वायरस के ऊपर एनवेलप फॉर्म होगा तो वो सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जर्व होगा यू कैन सी इन द इमेज एग्जाम्पल्स आर इन्फ्लुएंजा वायरस हिपेटाइटिस एंड एच वायरस कॉम्प्लेक्स और हेड एंड टेल वायरस ये आइकोसाहेड्रल हेड्रल और स्फेरिकल वायरस का कॉम्बिनेशन होता है इस तरह के वायरस का टिपिकल एग्जाम्पल है बैक्टीरियो फेज एस यू कैन सी देड इज ऑफ आइकोसा हेड्रल शेप एंड द नेक इज ऑफ हेलिकल शेप बैक्टीरियो फेज एक वायरस है जो अपने लेग्स से बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होकर बैक्टीरिया में होल क्रिएट करता है और नेक के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है. हेलिकल वायरस इस तरह के वायरस में एक सेंट्रल कैविटी या होलो ट्यूब होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है इसके चारों तरफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं सर्कुलर वे में या हेलिकल वे में इस तरह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये वायरस जनरली 15 टू 19 नैनोमीटर वाइड और 300 टू 500 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं इनकी लेंथ वेरिएबल होती है यानी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग लेंथ होती है और ये जो लेंथ है ये डिपेंड करती है कि कितना जीनोम यानी कि डीएनए या आरएनए वायरस के अंदर पैक है इसका एग्जाम्पल है टीएमवी यानी टोबैको मोजेक वायरस नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस वायरस को कई सारे बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है लाइक like, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वायरल है एडिनो वायरस कॉम्प्लेक्स जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियो फेज और हेलिकल या फिल्मेंटस जिसका एग्जाम्पल है टी एम वी यानी टोबेकोमोजैक वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द होस्ट सेल जिस जिसे वायरस इन्फेक्ट करेगा इस बेसिस पर वायरस को क्लासिफाई किया गया है एनिमल वायरसेस जिसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस हर्ब्स और पोलियो वायरस एक्सेट्रा प्लांट वायरस यानी कि वो वायरस जो केवल प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेंगे लाइक टीएमवी, यानी वी यानि वायरस एंड बैक्टीरियल वायरसेस यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे लाइक बैक्टीरियो फेज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनवल सम वायरसेस हैव एंड सम हैज नॉट। जो एनवलप्ड वायरस हैं, उनके एग्जाम्पल है एच आई वी वायरस हर्ब्स इंफ्लुंजा वायरस रेबीज वायरस कुछ वायरस जूनेकेड या विदाउट एनवलप्ड होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं हेपेटाइटिस वायरस पोलियो वायरस बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस दिस क्लासिफिकेशन इज वन बाय डेविड बाल्टीमोर और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है वायरस जीनोम के स्ट्रक्चर पर इस क्लासिफिकेशन में वायरस को सेवन क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द वायरस जेनेटिक मटेरियल टाइप्स क्लास वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस यानी ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डी है लाइक एडीनो एंड पॉक्सी वायरस क्लास टू सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस यानी ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है बट सिंगल स्टैंड डीएनए क्लास थ्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस यानी ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए है लाइक रियो वायरस क्लास फोर पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम वायरस यानी ऐसे वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का पॉजिटिव यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है क्लास फाइव नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम वायरस जिसका एग्जांपल है रेबडो वायरस और ऑर्थोमिक्सो वायरस क्लास सिक्स सिंगल स्टैंडर्ड आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस जिसका एग्जाम्पल है

वायरसेस को मेनली थ्री टाइप से कल्चर किया जाता है एनिमल इनोकुलेशन मेथड, इनोकुलेशन इन टू एम्ब्रियोनेटेड एग एंड सेल कल्चर मेथड। सबसे पहले देखते हैं एनिमल इनोकुलेशन मेथड। इस मेथड में वायरसेस को लेबोरेटरी एनिमल्स में इनोकुलेट करके ग्रो करवाया जाता है लाइक गिनीपिक रेबिट्स माइस एक्सेट्रा इसके लिए हेल्दी और डिजीज फ्री एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता है और इंट्रा सेरिब्रल या इंट्रा नासल रूट के थ्रू वायरसेस को इन एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है लैब एनिमल्स के अंदर वायरसेस को इंट्रा पेरिटोनियल या स्किन में सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सकलिंग माइस यानी ऐसे माइस जिनकी एज 48 एट आवर्स यानी दो दिन से भी कम है उसे यूज़ करते हैं टोंगा वायरस और कॉक्सकी वायरस के कल्टीवेशन के लिए जब वायरसेस को एनिमल्स में इंजेक्ट करते हैं तो एनिमल्स में वायरस की ग्रोथ से डिजीज प्रोड्यूस होती है और एनिमल्स की डेथ हो जाती है आफ्टर डेथ एनिमल सेल्स को आइसोलेट किया जाता है और उन सेल से वायरस को आइसोलेट कर लिया जाता है इनोकुलेशन इन एम्ब्रियोनेटेड एग मेथड इस प्रोसेस में अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोनेटेड एग्स यूज कर सकते हैं फॉर वायरस कल्टीवेशन। एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब होता है ऐसा एग जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है ऐसे सेवन टू ट्वेल्व डेज ओल्ड एग्स को सिलेक्ट करते हैं और एग्स की सरफेस को आयोडीन सॉल्यूशन से डिसइनफेक्ट करते हैं इसके बाद इसमें एक बहुत ही माइन्यूट होल ड्रिल किया जाता है और निडल की हेल्प से वायरस को एग की अलग अलग साइट पर इनोकुलेट करते हैं और इनक्यूबेट करते हैं इसे 36 डिग्री सेल्सियस पर फॉर टू टू थ्री डेज और जब निडल से वायरस को एग में इनोकुलेट कर दिया जाता है उसके बाद होल को आफ्टर इनोकुलेशन जिलेटिन या पैराफिन से बंद कर दिया जाता है जब प्रॉपर वायरस ग्रोथ हो जाती है तब एग को तोड़कर एक टिश्यू को बाहर निकाल लिया जाता है और वायरस को आइसोलेट कर लिया जाता है वायरस की ग्रोथ की वजह से एग के अंदर का जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो जाती है वायरस को एग की अलग अलग साइट पर इनोकुलेट किया जाता है लाइक इन कोरियो एलेंटनिक मेमब्रेन डेट इज सी एम एलेंटोइक कैविटी, एमनियोटिक सेक और योग सेक में कोरियो एलेंटोइक मेम्रेन यानी सी एम को यूज़ करते हैं फॉर कल्चर ऑफ पॉक्स वायरसेस के लिए हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस के लिए भी इसे यूज किया जाता है एलेंटोइक केविटी में इन्फ्लुएंजा येलो फीवर और रेबीज वायरस को कल्टीवेट किया जाता है एमनियोटिक सेक में इन्फ्लुएंजा और मम्स वायरस को कल्टीवेट करते हैं योग सेक में क्लेमाइडिया रिकेट्सी वायरस और कुछ अदर बैक्टीरियल सेल्स को भी कल्टीवेट किया जाता है सेल कल्चर मेथड इस मेथड में एनिमल या प्लांट टिश्यू से सेल को आइसोलेट करके इन सेल्स में वायरस को इनोकुलेट करवाया जाता है और आउटसाइड बॉडी यानी इन विट्रो वायरसेस को ग्रो करवाया जाता है किसी टिश्यू को ऑर्गन से सेपरेट करते हैं और फिर इस टिश्यू को ट्रिप्सिन या कोलाजिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं इस एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट की वजह से जो सेल्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और सिंगल सिंगल सेल्स की कंडीशन में आ जाती हैं फिर इन सेल्स को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में जिसमें शुगर अमीनो एसिड, प्रोटीन्स सॉल्ट्स सीरम बफर सॉल्यूशन ये सब ऐड होते हैं ऐसे कल्चर मीडिया में सेल्स को ग्रो करवाते हैं जब सेल्स ग्रो हो जाती हैं तो ये सेल्स कल्चर वेसल की वॉल से या कल्चर वेसल के बॉटम पर एक सिंगल लेयर के रूप में अटैच हो जाती हैं इसे मोनो लेयर कहा जाता है इसके बाद वायरसेस को इस कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं वायरस इन सेल्स के अंदर इन्फेक्ट कर जाते हैं और ग्रो करते हैं वायरस ग्रोथ की वजह से ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जहाँ जहाँ पर वायरल ग्रोथ होती है वहाँ पर वायरल प्लाक फॉर्म हो जाता है बाद में इन प्लाक से वायरस को आइसोलेट कर लिया जाता है है हेयर यू कैन सी इन दस एनिमेशन वी टेक द टिश्यू ट्रीटेड विद एन्जाइम्स ट्रिप्सिन एनकोलाजिनेस सेल्स गेट सेपरेटेड और जब इन्हें कल्चर मीडिया में डाला जाता है तो सेल्स ग्रो करके बॉटम पर एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेती हैं और इस बॉटम ले मोनोलेयर पर जब वायरस को इनाकुलेट किया जाता है तो वायरस इन सेल्स के अंदर इन्फेक्ट करता है और वायरस की ग्रोथ की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है और एक प्लाक फॉर्मेशन होता है वायरस कल्टीवेशन के लिए कई टाइप की सेल्स को यूज किया जाता है लाइक प्राइमरी सेल कल्चर इसमें नॉर्मल सेल्स को यूज किया जाता है बट इन सेल्स की लाइफ लिमिटेड होती है इसलिए इन सेल्स को लंबे टाइम तक बार बार सबकल्चर या यूज नहीं किया जा सकता लाइक मंकी किडनी सेल्स और डिप्लॉयड सेल कल्चर इसमें डिप्लॉयड सेल को यूज़ करते हैं फॉर इनोकुलेशन ऑफ वायरस इन सेल्स को अराउंड फिफ्टी टाइम्स तक सब कल्चर या री किया जा सकता है हेटेरोप्लॉयड सेल्स यानी कैंसरस सेल्स या ऐसी सेल्स जिनके क्रोमोजोम ना हेप्लॉयड है, हैं और ना डिप्लॉयड इस टाइप की सेल्स का लाइफ स्पान काफ़ी लंबा होता है और इनको कई बार मोर देन फिफ्टी टू सिक्सटी टाइम्स मोर देन इनको सबकल्चर यूज कर सकते हैं और लंबे टाइम तक वायरस को कल्टीवेट किया जा सकता है इसके एग्जाम्पल है लाइक ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल लाइन और एच ई पी टू यानी ह्यूमन एपिथिलोमा ऑफ लेरिंग सेल लाइंस। नाउ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट वायरसेस इस मेथड में वायरस को प्लांट सेल में इन्फेक्ट करवाया जाता है इसके लिए वायरसेस को डायरेक्ट प्लांट टिश्यू के ऊपर रब करते हैं एंड ड्यू टू एब्रेशन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती हैं और वायरस प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाता है प्लांट्स में वायरस को इन्फेक्ट करवाने के लिए कभी कभी वायरल इन्फेक्टेड पार्ट्स को हेल्दी प्लांट के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है इसकी वजह से जो वायरस है वो ग्राफ्ट से निकल कर हेल्दी प्लांट्स के अंदर आ जाता है जिन्हें बाद में आइसोलेट कर लिया जाता है सो so, Uh, this is all about the virus structure, classification, and their cultivation. Hope you will like the video.